2019 मसीहा द्वितीय पर्याय साधारण निर्वाचन पर प्रचार अभियान चलता बेले बीजेपी नेता मंगुली जेना को खोर्धा नवीनाबाग ठारे गुली करी हत्या करा जाइथिला। बीजेपी नेता मंगुली जेना हत्याकांड घटना सीबीआई को हस्तांतर दाबी रे परिवार लोके खोर्धा जिलापाल निकट पहुंची एक दाबी पत्र देथिले मध्ये कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करा जाय नाही। से समय मंगुली समर्थक माने खोर्धा टाउन थाना आगे धारणा बसी रही है। यह राज्य सरकार अति संवेदनशील भाव में क्राइम ब्रांच को हस्तांतर करा जाइथिला। क्राइम ब्रांच सन्देह केतेक लोक डाकी जेरा करथिले हत्याकारी निकट किंतु पहुंची पार नथिला। तबे मंगुली जेना हत्याकांड घटन बहु प्रभावशाली व्यक्ति परोक्ष एवं प्रत्यक्ष भाव में संप्रक्त रही हेतु तदंत प्रक्रिय बाधा उपजी आशंका कर सीबीआई को देवाकु परिवार पक्ष दाबी होई एवं हत्याकारी माने राजनैतिक नेता छत्र छाय तले रही आसुचंती खुल्लम खुल्ला बुलुचंती एक कथा चर्चा होची। विगत साधारण निर्वाचन जो 2019 अप्रैल 14 तारीख दिन हत्या करा जाय छी खोर्धा नवीनबाग बीजेपी प्रार्थी कालू खंडे घर सामने ये जो घटना घटला निर्वाचन संवेदनशीलता को आख्या रखी मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक या को क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कले जो क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कले से क्राइम ब्रांच पाक आम मैंने आज को देढ़ वर्ष दि वर्ष भितर शहे थर ऊर्ध समय धरी जाइ क्राइम ब्रांच को द्वारस्थ हो जिलापा द्वारस्थ हो एसपी द्वारस्थ हो जिते प्रशासन अच्छा समस्त आम आम न्याय भिक्षा मागिचु और द्वारस्थ जो दक्ष क्राइम ब्रांचर अधिकारी मैंने आसती इनभेस्टिगेसन चलापी से मानकर किसी तत्परता देखिले ठीक दिने दुई दिन भितर से अलग क्यों जगार जाकि नियोजित हो जाती जो थोड़ा आम अनुमान कलु एम जाणीशु ये सब घटना घटे जाणीशु केसटा को चापेपी से क्राइम ब्रांच को ये जगह से जगह से जगह से जगह को ट्रांसफर कर प्रशासन हत्याकारी जाणी और धरुच्ची सांगसाथी बुलू अपराधी अंटगोड़ी रखी तेणु सी कौन सी प्रकार न्याय दौना तेणु आम समस्त निराश रही रही